योगी सरकार भी राशन की कालाबाजारी पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। गरीबों को जीने के लिए निवाला भी नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते ग्राम सकीतरा की सैकड़ों महिलाएं समाज सेवी युवराज डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी के साथ SDM सदानंद गुप्ता से मिली और राशन विक्रेता राजेंद्र पुत्र हरिराम की लिखित शिकायत भी की और उसकी राशन की दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। राशन डीलर के खिलाफ गुरुवार को तहसील में प्रदर्शन भी किया गया। अनीता पत्नी नारायण ने बताया कि डीलर राजेंद्र शर्मा ने कई बार हमसे राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भी जमा करा लिए हैं, लेकिन अभी तक ना तो राशन कार्ड दिए गए हैं ना ही राशन देता है। पहले भी राशन डीलर की शिकायत की गई है, लेकिन राशन डीलर की सफेद पोश नेता व अधिकारियों से साठगांठ के चलते कोई कार्यवाही नहीं की। तहसील गोवर्धन में वर्तमान में राशन की 96 दुकान है, लेकिन यहाँ से जब से तहसील बनी है ये स्थिति हो गई है कि DM साहब हमारे यहाँ के अरविंद मलप्पा भंगारी, जिसको कि हम कम से कम 1.5 वर्ष से इसी राशन की आंदोलन में लगे हुए हैं कि जिनका मूल अधिकार है, जिनको पेट भरने का अधिकार है, जो शासन ने दिया है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। DM साहब ने अभी फिलहाल में ऐसा एक घोटाला कर दिया है कि ग्राम सीग में एक कालाबाजारी करने वाला राशन विक्रेता था, जिसपे 3/7 का सन 2000 में थाना गोवर्धन में मुकदमा दर्ज करा और मोटी रकम लेके उस व्यक्ति को राशन की दुकान को बहाल कर दिया, और जबकि उसके खिलाफ PDO गोवर्धन द्वारा जांच की गई है। आज ये लोग आए हुए हैं और ये सकीतरा के निवासी हैं, इनके साथ में भी पहले भी घटना ऐसे की हो चुकी है और उसको निलंबित भी किया गया, लेकिन उसको पुनः बहाल कर दिया गया। क्या कारण है, क्या खेल चल रहा है ऐसा राशन की दुकानों में? कालाबाजारी हो रही है, सब लूट मचा रहा है, चारों अलग शासन प्रशासन पूर्ति विभाग सब अधिकार पे डाका डाला जा रहा है। ये सब प्रशासन की देख रेख में हो रहा है। अगर हमारा प्रशासन ही दुरुस्त हो तो इस प्रकार की गतिविधियां नहीं हो और जिनका राशन है उनके लिए राशन प्राप्त हो सके। लेकिन राशन डीलर की सफेद पोश नेता व अधिकारियों से साठगांठ के चलते कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी व आपूर्ति अधिकारियों की मिली भगत से गरीबों को वितरण किए जाने वाले राशन की जमकर कालाबाजारी हो रही है। विरोध जताने में रामवती, सुनीता, विमलेश, सुमन, विमला, सीमा, चंद्रवती सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल थी।